झारखंड सरकार के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदर अस्पताल लोहरदगा में डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया गया। माननीय मंत्री द्वारा इस अवसर पर बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय की देखरेख में देश और राज्य के जनजातीय क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार हेतु चलाए जा रहे अनामय कार्यक्रम अंतर्गत लोहरदगा जिले में भी पिरामल स्वास्थ्य के द्वारा सेवा और सुविधा विस्तार हेतु कार्य किया जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। साफ दिखता है, वहाँ देखे भी होंगे, एक पहले कभी हुआ है किसी का, उसका सब साफ साफ दिखता है, हड्डी वगैरह जितना है सब दिखाई देता है। तो बेहतर है ये, पहले से नॉर्मल से ही बेहतर है डिजिटल, एक फ़ायदा ये इसका है। और दूसरा ये है कि फ्री होगा, खास करके टीबी के मरीज की जांच जो होगी फ्री होगी, और के लिए थोड़ा सा लगेगा, फीस लगेगा 20-30-40 जितना होगा, वो भी सरकार उसको वहन कर लेगी। तीसरा इसमें यह है कि 2 साल के जो फिल्म होता है लगभग 17,000 कितना बजे 17,500 फिल्म अभी ही दे रहे हैं, है ना, अभी ही दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल चलेगा वो, तो सोचना नहीं है कि सरकारी रहता या और व्यवस्था रहती कि 3 महीने के बाद फिल्म ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से खरीदा जाएगा, फंड नहीं है, तरह तरह की बात आती है। लेकिन बैंक ने, इंडसइंड बैंक ने एक अच्छा पहल किया, ये तो डिजिटल एक्सरे मशीन तो दिया ही, साथ साथ 2 साल का फिल्म भी दे रखा है, तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी। हम अपील करेंगे लोगों से कि यहाँ आवें और इस मशीन का फ़ायदा उठाएं, बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ फ्री की सर्विस है, या तो लगेगा भी तो बहुत कम लगेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।